अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सादी। क्या हाल है आप लोगों के जनाब? जी हाँ, आज इतनी खुशी से जो ढोल बज रहे हैं और म्यूजिक बज रहा है ना, ये इसीलिए कि आज हमारे किचन में बनने जा रही है बिरयानी। किसी की जिंदगी में भी रंग भरने के लिए एक बिरयानी प्लेट ही काफी है। जी जनाब, आपने बड़ी किस्म की बिरयानियां खाई होंगी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, कश्मीरी बिरयानी, लेकिन आज तो सिखाओ दे आपकी सादिया के स्टाइल की देगी बिरयानी। जी हाँ, जब आप ये बिरयानी खाएंगे तो फिर आप नाइयों शाइयों को, रेस्टोरेंट को तो आप भूल ही जाएंगे। चलो जी, फिर बनाते हैं अभी हम अपने स्टाइल की देगी बिरयानी। अभी जी हम नोट कर लेते हैं जी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने जी 4 कप चावल लेके, बासमती चावल है, उनको भिगो दिया। यहाँ पे मैंने 6 अदद प्याज लिए हैं और 1 किलो मैंने जी लिया है यहाँ पे जी हमारा चिकन। 1.5 कप मैंने दही का लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, 4 से 5, 6, 7 मैंने लहसुन ले लिया है। साथ में मैंने 2 पोटैटोज़ हैं उनको पील कर लिया, उनको काट लिया। स्पाइसेस में आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, क्रश चिली मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, 4 अदद बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, 1 चम्मच नमक का और 4 अदद ग्रीन इलायची, और साथ में जी 1 पैकेट लजीज़ा बिरयानी मसाला यूज़ होगा। 1 पैन ले लिया, उसके अंदर जी मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया। अभी इसके अंदर जी 6 प्याज थे, तकरीबन 4 प्याज मैं इसके अंदर ऐड करके तो उसको बना लूँगी, बाकी के 2 प्याज मैं सेव कर लूँगी। उनका क्या करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी प्याज़ों को मैंने जी ब्राउन कर लिया है, ब्लैक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन से प्याज कर लेंगे। जब ये प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर जी मैं अपना जो लहसुन है उसको क्रश करके मैं डालूँगी। थोड़ी देर तक प्याज को और लहसुन को जब हमने भून लिया तो उसके बाद जी हमने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर टमाटर। थोड़ा सा इनको, टमाटरों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हल्का सा उसको टॉस करने के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, क्योंकि चिकन की बिरयानी बहुत जल्दी मसाला बन जाता है, तो लैम की बिरयानी में हम थोड़े से तहरे कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर अभी मैंने चिकन डाल लिया और चिकन डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मैंने एक दफ़ा भून लिया। चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद उसके अंदर जी हमने ऐड कर लिए हैं पोटैटोज। ये आपकी ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर आपको नहीं दिल, अगर आपको आलू के बगैर बिरयानी चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी जितने मसाले हैं जी पे मैंने भी ये भी इसके अंदर डाल दिए और साथ में ही मैंने जी बिरयानी मसाला डाल कर और इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको होममेड किस तरीके से मैं घर में बिरयानी मसाला बनाती हूँ वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी देख रहे हैं मेरा जो मसाला है वो बिरयानी का अच्छे तरीके से भुन चुका है। अभी इसके अंदर जी मैं 1/2 कप योगर्ट ऐड करूँगी और 1/2 लेमन। मुझे लगता है कि जब बिरयानी में ज़्यादा योगर्ट ऐड कर दी जाए तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है, वो इतने अच्छे तरीके से बिरयानी टर्न अप नहीं होती। लेकिन वही बात है, हर बंदे का अपना अंदाज़ है बनाने का, जो आपका तरीका ठीक है आप उस तरीके से फॉलो कर लें, लेकिन मेरा तरीका का थोड़ा सा कुछ वो है, हमारे तो अंदाज ही कोई वक्रे से हैं। पानी खुश्क होने तक हमने जी इसको भून लेना है और रख देंगे अभी इसको स्टीम पे। अभी चलते हैं हम जी चावलों की तरफ, चावल हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास 4 कप चावल थे, मैंने 8 कप पानी लिया, उसको जी बॉईल कर लिया 4 टीस्पून नमक डाल के, और जी इसको 1 कन्नी तक हमने पकाना है और तकरीबन 1 बॉईल के बाद हम इसको उतार लेंगे। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बिरयानियाँ खानियाँ सौखियाँ ने, बनानियाँ बहुत औखियाँ ने। अभी जी मैंने यहाँ पे जो 2 अदद प्याज रह गए थे उनको मैंने जी ये देखिए इस तरीके से ब्राउन कर लिया और इसको जी हम ब्राउन करने के बाद निकाल लेंगे। इसका भी हमने करना क्या है, सब्र रखो तस्निया में। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया एक कढ़ाई, आप कोई भी हांडी ले लें, पैन ले लें, जिसके अंदर आप समझते हैं कि आपको दम देना चाहिए। यहाँ पे जी मैं 1 लेयर लगा लूँगी चिकन की, और चिकन की लेयर लगाने के बाद दूसरी लेयर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी जी चावलों की। 1 टीस्पून मैंने येलो कलर ले लिया, फूड कलर, तो उसको मैंने पानी के अंदर हल कर लिया। अभी जी मैं हल्के से हाथों से ऐसे थोड़ा सा फिला के तो वो फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखे थे ये भी थोड़े से एक मैं उसके ऊपर लगा दूंगी, और धनिया, अगर आपको अपनी बिरयानी स्पाइसी चाहिए तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं तह ब तह एक तह मैं लगाऊंगी चिकन की, 1 लगाऊंगी चावलों की, और चावलों के ऊपर भी मैं सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करूँगी। Thank you.
तकरीबन मैंने जी 3 तह लगाई हैं और सारा मेरा मसाला वगैरह हर चीज़ इसके ऊपर पूरा हो चुका था। अभी जी मैं इसको फॉइल लगा के तो मैं इसको जी 15 मिनट के लिए मैं करूँगी दम के ऊपर रख दूँगी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हम जी आपको दिखाते हैं अपनी बिरयानी। ओए होए, खुशबुएं तो ऐसी थी ना कि पूरी फ़िज़ा महक चुकी थी। वाह जी वाह, जब घर में बिरयानी बन रही होती है उस दिन तो शादी वाला माहौल बना होता है घर में। ठीक है जी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन चुकी थी। अभी जी मैं इसको जी एक साइड से पकड़ के हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी, सारे स्पाइसेस वगैरह ऑन पॉइंट थे एंड सब ने बहुत पसंद की। आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने आपको बताया था ना, एक दफ़ा जब आपने ये बिरयानी खानी है ना, फिर तुसी यही बिरयानी खानी है। इसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं। कहा जाता है कि रिश्ते और दोस्ती ईमान की तरह होते हैं, बंदा कुछ भी होवे पर बेईमान ना होवे। चलो जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने ईमान को रखें मजबूत, अपने रिश्तों को, अपनी दोस्तियों को, अपने प्यारों को, अपने हमसफरों का रखें ख्याल और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटें, क्योंकि आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद लाइफस्टाइल विद सादी।